हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका अभी हम क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर एट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा था टाइफाइड के बारे में पढ़ा था निमोनिया के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं तो शुरू करते हैं मैनी वायरसेज ऑल्सो कॉज डिजीज इन डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो भी ह्यूमन बींग के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं बीमारी पैदा करते हैं राइनो वायरसेज रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेज विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टियस ह्यूमन एलिमेंट्स दैट इज़ कॉमन कोल्ड इसमें राइनो वायरस का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो राइनो वायरस है वो एक वायरस का टाइप है जो कि इन्फेक्टियस डिजीज़ कॉज करता है जो कि कॉमन कोल्ड होता है जिसको सर्दी जुकाम कहते हैं हम दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स और ये जो कॉमन कोल्ड होता है जो राइनो वायरस इन्फेक्शन करता है वो हमारे नोज को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है लंग को कोई इफेक्ट नहीं डालता है जबकि हमने निमोनिया में देखा था कि लंग के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है लंग इन्फेक्टेड हो जाता है द मोस्ट द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाई नेजल कंजेक्शन एंड डिस्चार्ज जब कॉमन कोल्ड होता है जब सर्दी होती है तो हमारे जो नेजल कंजेक्शन हो जाती है यानी नाक जाम हो जाता है या फिर नाक से पानी आने लगता है सोर थ्रो थ्रोट हॉर्सेनिस कफ हेडेक टायर्डनेस इटीसी यानी कि हमें सिर दर्द होता है कफ होता है थकान होता है ये सारे जो हैं सिम्टम है कॉमन कोल्ड के जो कि तीन से सात दिन तक नॉर्मली रहता है ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ़ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन और आइर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सचेज पेन्स बुक्स कप्स डोर नॉब्स कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस ई टी सी एंड कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन ये जो जिस पर्सन को कॉमन कोल्ड होता है उस पर्सन के स्नीज करने से छींकने से या फिर कफ से जो उसका ये जो वायरस है राइनो वायरस है ये इन्वायरमेंट में आ जाता है और उस उस आसपास अगर कोई हेल्दी पर्सन है और वो उस एयर को इनहेल करता है डायरेक्टली और या फिर उस पर्सन का यूज़ किया हुआ पेन बुक कप डोर नॉब कंप्यूटर कम, कीबोर्ड और माउस कुछ भी मतलब उस पर्सन का यूज़ किया हुआ अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज़ करता है तो चांसेज़ होते हैं कि वायरस जो है वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाएगा और उस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देगा सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोन्स यहाँ पे सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोन्स टू बहुत कुछ ऐसे डिजीज होते ह्यूमन के जो प्रोटोजोन्स से भी होते हैं यू यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया जिसमें आपने मलेरिया का नाम सुना होगा अ डिजीज मैन हैज बिन लाइटिंग सिंस सॉरी फाइटिंग अ डिजीज़ मैन हैज़ बिन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स और ये जो मलेरिया है इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो सालों साल इस चीज़ से फाइट करता है स्ट्रगल करता है इस इन्फेक्शन के साथ और इस इन्फेक्शन में एक्चुअली होता क्या है तो प्लाज्मोडियम जो होता है प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइफ प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम फैलसी पैरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया और प्लाज्मोडियम के अलग अलग टाइप होते हैं प्लाज्मोडियम वाईवैक्स प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम फेल्सी पैरम यह सब जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं मलेरिया के लिए ऑफ दिस मेलिगडेंट मलेरिया एज कॉज बाई प्लाज्मोडियम फेल्सी पैरम इज मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल और ये जो अलग अलग प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम वाईवैक्स मलेरिया और फैल्सी पैरम पैरम इसमें प्लाज्मोडियम फेलसी बैरम जो है ये सबसे ज़्यादा सीरियस होता है सीरियस डिजीज कॉज करता है और कभी कभी ये तो जानलेवा भी हो सकता है लेटेस्ट टेक अ ग्लांस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अब हम एक प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल एक बार देखते हैं तो प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी सच एज इन्फेक्टियस फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ़ीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो क्या होता है कि ये जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में और ये जो स्पोरोजॉइट्स है वो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टियस फॉर्म है यानी कि प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में ही इन्फेक्शन करता है और ये किसी भी हेल्थी पर्सन के अंदर जाता कैसे है तो फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो के काटने से बाइट करने से अगर फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम जो है हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाता है द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन दियर रप्चर इनिशियली क्या होता है ये जो पैरासाइट है जो कि फीमेल एनोफिलस के काटने से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर करता है स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में इनिशियली तो ये अपना नंबर इंक्रीज़ करता है पहले ही अपना नंबर इंक्रीज़ कर लेता है और उसके बाद ये जो पैरासाइट है वो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल को यानी कि आर को रप्चर करना शुरू कर देता है द रप्चर ऑफ द आर बी सी इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटांस हेमेजॉइन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी थ्री टू फोर डेज और जब आरबी सी रप्चर होता है तो साथ आ, उसके साथ ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज होता है जिसको कि हेमोजोइन कहते हैं और ये जो हेमोजोइन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अचानक से बहुत तेज फीवर हो जाता है और अचानक से बॉडी बहुत ठंडा हो जाता है और हर तीन से चार दिन पे ऐसा कंटिन्यू होता है रिपीट होता है अ फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन दीज पैरासाइट्स इंटर द मॉस्क्यूटोज बॉडी एंड अंडर फर्दर डेवलपमेंट और वापस से अगर कोई फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो मॉस्किटो के बॉडी में वापस से चले जाते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करना शुरू करते हैं और डेवलपमेंट जो है उसका फिर से होने लगता है द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजाइट्स देन आर स्टोर्ड इन दियर सेलिवरी ग्लैंड्स और ये जो पैरासाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम ये आ, स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं और उस मॉस्क्यूटो के सेलिवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं और फिर जब वो मॉस्क्यूटो किसी ह्यूमन को बाइट करती है काटती है तो ये स्पोरोजोइट्स जो हैं वो उस पर्सन के अंदर वापस से चला जाता है इन्फेक्ट कर देता है उसको देआर बाई इनिशिएटिंग द इवेंट्स मेन्ड अवर और वापस से वो <coughs> जो इवेंट है रिपीट होता है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स टू हॉस्ट ये आपको आश्चर्य लगेगा सुन के कि ये जो मलेरियल पैरासाइट होते हैं प्लाज्मोडियम होते हैं इनको दो हॉस्ट चाहिए होता है एक हॉस्ट इसका ह्यूमन होता है और दूसरा फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो होती है और इन दोनों हॉस्ट के अंदर जाने के बाद ही प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है वो पूरा होता है तो फर्स्ट ह्यूमन और दूसरा फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो जो कि वेक्टर का, का काम करती है यानी कि ट्रांसमिट करती है प्लाज्मोडियम को तो एक बार वापस देखते हैं हम कि इसके अंदर क्या होता है मलेरिया के अंदर तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रोटोजोन है और इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम के अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम फैलसी पैरम और उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो है प्लाज्मोडियम फैलसी पैरम और होता क्या है कि ये जो प्लाज्मोडियम फैलसी पैरम है वो मॉस्क्यूटो के काटने से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर जाता है इन्फेक्टियस फॉर्म में और वो इन्फेक्टियस फॉर्म हो होता है स्पोरोजाइट्स और इस्पोरजवाइट्स में के फॉर्म में जब प्लाज्मोडियम जाता है किसी हेल्थी पर्सन के अंदर तो सबसे पहले वो अपना नंबर इंक्रीज़ करना शुरू करता है और नंबर इंक्रीज़ करने के बाद आर को रप्चर करना शुरू कर देता है और जब आर बी रप्चर होना शुरू होता है तो उसके बाद एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको कि हम कहते हैं हेमोजोइन और उसके बाद और ये जो हेमोजोइन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है अचानक से बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाना और फिर अचानक से बहुत ठंडा हो जाना और ये जो है एवरी थ्री टू फोर डेज पर रिपीट होता है और उसके बाद Uh, अगर वो uh, उस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो काटती है बाइट करती है तो स्पोरोजॉइट्स जो है वो वापस चले आते हैं उस फीमेल एनोफिलस के अंदर में फर्दर डेवलपमेंट उसका होता है और उसके सेलिवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाता है और फिर अगर वो एनोफिलस मॉस्किटो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगी तो स्पोजॉयट्स जो है उस पर्सन के अंदर चला जाएगा और फिर वो सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा इसी तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है इसको डेवलप होने के लिए दो हॉस्ट चाहिए एक हॉस्ट इसका ह्यूमन हो गया दूसरा एनोफेलस मॉस्क्यूटो हो गई और ये जो एनोफेलस मॉस्क्यूटो होती है फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो होती है वो एक वेक्टर का भी का, काम करती है जो कि इन्फेक्शन का काम का करती है ट्रांसमिटिंग एजेंट का काम का करती है